दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वाह, कितना बुरा गा रहा हूँ हा? मुझे पता है मेरी आवाज बहुत बुरी है, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं एक शेफ हूँ। आप लोगों को बताऊंगा आज मैं फ्रूट ट्राइफल कैसे बनाते हैं, एक जबरदस्त रेसिपी। आप लोगों ने ईद पे गोश्त खा खा कर अपना बेड़ा गर्क कर दिया है, थोड़ा मीठा भी खाओ, फ्रूट भी होता है, बड़ी अच्छी चीज है, और घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा प्लीज। अच्छा, तो इसमें हम डालेंगे मिल्क, फ्रूट कॉकटेल, मैंगो, एप्पल, बनाना, फ्रेश फ्रूट, प्लेन केक एंड कस्टर्ड पाउडर, जेली पाउडर एंड वॉलनट्स एंड आलमंड्स। सबसे पहले हम कर लेंगे क्रश वॉलनट और आलमंड को बेलन की मदद से। इसको पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ क्रंची रखना है, तो ताकि हम आखिर में ऊपर टॉप में डालने के लिए हम इसको क्रश करके डब्बे में डाल के साइड पे रखेंगे। यह आपने सीड प्रॉपर रिमूव करना है, क्योंकि ये जो सीड होते हैं इसमें टॉक्सिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए प्रॉपर इसको यहाँ से रिमूव करना है। हाँ, सबसे पहले इस तरह से जो है आपने ये फ्रूट कॉकटेल है, मिक्स फ्रूट है, इसमें सारे फ्रूट्स आते हैं, बाजार में डब्बे मिल जाते हैं, मैंने ये डाला हुआ है। ये आपने फ्रूट इसमें सारा डाल दिया, उसके बाद अगर आपने करना है तो फ्रेश फ्रूट कर लेना भी है तो भी मसला कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फ्रेश एप्पल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एप्पल, इसलिए मैं एप्पल का थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। ये दोनों में आपने इस तरह से कर लिया ठीक जी। उसके बाद ये थोड़ा सा बनाना कटे हुए बनाने, बनाने के बाद फिर उसमें थोड़ा सा मैंगो, अब इसके टॉप में आपने ये केक पीस यूं डाल देना है, केक के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से। आप अगर खुले बर्तन में करें तो और भी अच्छा है इसको ना। जी अब हम इसमें डालेंगे 2 कप पानी, 2 कप पानी हमने डाला। देखें जैसे कि आप देख रहे हैं ये पानी का उबल आ गया है, तो अभी हम इसको ऊपर से जेली डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब ये बिल्कुल मुकम्मल हो गया है, चूल्हा बंद करें और ये आपका जेली तैयार है। अब ये जैसे कि आपका जेली तैयार है, आपने इसको बस गर्म गर्मी आपने इसी बोल में सबसे नीचे इसको जेली में डालना है। सबसे पहले आपने ये हाफ कप मिल्क आपने लेना है, ये है हाफ कप मिल्क। हाफ कप मिल्क में आपने ये जो है ना 100 ग्राम आपने कस्टर्ड, ये 100 ग्राम कस्टर्ड है, 100 ग्राम कस्टर्ड का ये मिक्स करना है।
मिक्स करके आपने इसको ब्लेंड करना है। ऐसे कप की मदद से एक कप दो कप आपने इसमें दूध मिक्स करना है। तो आपने इसमें एक दो तीन चार पांच कप आपने चीनी डालना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बिल्कुल उबल आया गया है ये दूध का। तो आपने कस्टर्ड पाउडर लगाया है आपने जो इसको यहाँ से मिक्सअप करना है। और जब तक गाढ़ा नहीं होता इस तरह पकाते रहने आपने। अब देख रहे हैं ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम चूल्हे को बंद करेंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसी कस्टर्ड को हमने जैसे कि ये बनाया हुआ है इसके ऊपर हमने ये मिक्स करना है। आपने इसके टॉप पे यूं आपने नट्स डालना है जैसे। आपका जबरदस्त फ्रूट ट्रफल तैयार है।